हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। खास कार्यक्रम में जो खास उम्मीदवार हैं, जो अपने दावेदारी ठोक रहे हैं, अश्विनी शर्मा जी उनसे खास मुलाकात करेंगे। इस समस्या का समाधान आपके पास क्या है? हाइजेनिक तरीके से बनाया जाए, पूरे गुड़गांव की जिम्मेवारी उठाने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है। छोटी छोटी समस्या है, उन समस्या को छोटी छोटी समस्या को उठाकर कंप्लीट करेंगे। अपने वार्ड से बाहर काम कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमने यहाँ पर आप देखो ये पौधे लगवाए, हमने वो अपने घर से पूरा ये और पूरी मेहनत कर रहे हैं और ये नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज के इस खास पेशकश में। मैं हूँ आपके साथ पूजा कविया। हम भी हैं दावेदार। अब भला आप सोच रहे होंगे किस चीज के दावेदार, तो दावेदारी है हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर ताल ठोकने की। और आज हम इस खास कार्यक्रम में जो खास उम्मीदवार हैं, जो अपने दावेदारी ठोक रहे हैं, अश्विनी शर्मा जी उनसे खास मुलाकात करेंगे। अश्विनी शर्मा जो कि वार्ड नंबर 19 से काउंसलर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आज हम उनके बीच जाएंगे, पहुंचेंगे और जानेंगे उनके मुद्दे क्या हैं। आखिर किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता की समस्याएं सुनेंगे, आगामी प्लान उनके क्या कुछ कह रहे हैं, भविष्य में आखिरकार वो गुरुग्राम को किस तरीके से नई दिशा में लेकर जाएंगे। चुनाव नजदीक है, चुनाव को लेकर बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने दावेदारी ठोक रहे हैं, आपके पास भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, क्या कुछ आगे रणनीति आपकी रहने वाली है? देखिए, मैं भी पार्षद हूँ यहाँ से, और पार्षद में जब मैं आया तो मैंने देखा कि काम बहुत है, और आज गुड़गांव जो है एक बहुत मतलब गुरुग्राम के अंदर बहुत बुरा हुआ पड़ा है। मैं पूरे गुड़गांव के अंदर घूमा हूँ, देखा, क्योंकि यहीं की पैदाइश है, यहीं देखा है गुड़गांव को। तो आज मूलभूत सुविधा के अंदर बिजली, पानी, सीवर, सड़क और आपका ड्रेनेज, बरसाती पानी की निकासी कहीं पे भी नहीं है, तो इन सारी चीज़ों से जूझ रहे लोग, मतलब कि हर आदमी टेंशन में है, इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। आज देश को आज़ाद हुए भी काफ़ी साल हो गए, 73 साल होने को जा रहे हैं, तो आज भी आदमी उसी के अंदर जूझ रहा है। तो मेरा मानना है, जब ये चीज़ देखी मैंने, मेरे दिल पे लगी कि मैं कह यार हद हो गई कि अभी भी ऐसा हाल है तो हमें निकलना पड़ेगा। और हम इस तरीके से हम अपनी टीम तैयार कर रहे हैं मोहल्ले वाइज, कि जो हर चीज़ पर लगाए, दिमाग लगाए और उसको चेक करे और हम उस पर काम करें। अश्विन जी, समस्याएं तो बहुत सारी होती हैं, समस्याएं तो सभी की बहुत हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान आपके पास क्या है? सीधा सा सवाल, जनता आपको चुने तो क्यों चुने? देखिए, जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण क्यों बढ़ रहा है? हम खाली ये कह देते हैं कि धुआं उड़ रहा है, मिट्टी उड़ रही है, नहीं। एक छोटा सा गड्ढा सड़क का, गड्ढा एक चीज, वो छोटी सी है गड्ढे की, लेकिन जब गाड़ियां खड़ी होती हैं उस गड्ढे में से गुजरती हैं तो नंबर एक गाड़ी टूटती है, नंबर दो उस पर उसका फ्यूल ज्यादा उड़ता है, जाम लगता है, उस एक गड्ढे से ही प्रॉब्लम चलती है। जब जाम लगेगा तो तेल यूज होगा, और तेल ज्यादा यूज होगा तो वो हमारे देश के ऊपर भार पड़ेगा। देखो, सेंट्रल तेल भी हम इंपोर्ट कराते हैं, और जब वहां से इंपोर्ट वो होगा तो कहीं ना कहीं पब्लिक के जेब के ऊपर छेद होगा, नंबर एक। नंबर दूसरा, गड्ढे से ही, जब गड्ढे में है तो वहां से ही क्या कहते हैं, आपका जाम तो लग ही गया तो फ्यूल हो रहा है, तो उससे पर्यावरण पर असर पड़ रहा है, धुआं उड़ रही है और उसके अंदर सारा पर्यावरण हमारा खराब हो रहा है। तो एक हम कह तो देते हैं यार छोटा सा गड्ढा है, लेकिन उस गड्ढे से ही कितनी प्रॉब्लम निकल रही है। तो मेरा मानना यह है कि गड्ढा मुक्त होना चाहिए, कहीं पर भी ये क्या कहते हैं गड्ढे नहीं होने चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए, ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों को हम आज जानेंगे ग्राउंड लेवल पे जाके। तो अश्विनी जी, क्यों ना हम जाएं ऐसी जगहों पर जहां पर बहुत सारी समस्याएं, और वहां पर ही निदान करें और वहां पर जो आपके आगामी प्लान्स हैं वो सुने। देखिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ और आपको मैं मौके पे ही दिखाऊंगा इस गुड़गांव की दयनीय हालत,
गुड़गांव का नाम गुरुग्राम बदलने से वो नहीं होगा। गुरुग्राम एक नाम है, गुरु द्रोण की धरती है, माँ शीतला की धरती है। आज मैं आपको हर सड़क पर, हर कॉलोनी में, हर गली के अंदर लेके जाऊंगा और आपको, आपके ही माध्यम से मैं इस गुड़गांव की तस्वीर आपके चैनल से लोगों को दिखाऊंगा। अभी आपके साथ चलता हूं, मैं दिखाता हूं। तो चलिए, हम भी हैं दावेदार की टीम, निकल पड़ी है, हम भी चलते हैं अश्विनी जी के साथ और जानते हैं जो उनका ग्राउंड रूट लेवल है, जहां जहां वो हमें लेके जाएंगे, ऐसे कुछ पॉइंट्स है जहां जहां वो हमें लेके जाएंगे और वहां पर ही हम सीधे चल के जानेंगे उनके मुद्दे और उनके समाधान। आइए, मैं आपको सबसे पहले शुरुआत जो है यहाँ के जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो सबसे पुराना स्कूल है गुड़गांव का, उसका ग्राउंड ये दिखाता हूँ शासन और प्रशासन के रवैये के द्वारा कि यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं वो किस प्रकार खेल रहे हैं। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये बोर्ड दिख रहा है आपको, महाविद्यालय गुड़गांव खेल परिसर जी, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज है, ये उनका ग्राउंड है, ठीक है जी। और इसके अंदर देख लीजिए, नहीं आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ये कहते हैं कि हमने स्वच्छ भारत, स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ गुड़गांव बना दिया है। ये स्वच्छ गुड़गांव है, देखिए जिस ग्राउंड के अंदर बच्चों को खेलना चाहिए था आज, और ये हाँ, ये सारे देखो, ये देखिए आप अच्छे से सारे देख लीजिए, सुअर भी खेल रहे हैं, गाय भी है यहाँ पर, गाय गंद खा रही है यहाँ पर, कितना गंद हुआ पड़ा है, जबकि ये हमारे गुड़गांव का ये दिल है। इसको बाद में इसका नाम पड़ गया गौशाला मैदान के नाम से लोग जानने लग गए, लेकिन ये जमीन जो है, ये जो ग्राउंड है वो स्कूल का ग्राउंड हैगा, लेकिन गौशाला है, गौशाला ग्राउंड को नाम से जाना लग गया इसको। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए होता था, यहाँ मैचेज होते थे, इस ग्राउंड में मैंने भी मैचेज खेले हैं बचपन के अंदर। फिर यहाँ पर कभी कभार जैसे साल दो साल के अंदर आपके सर्कस लगती है या कुछ होता है, ये हार्ट ऑफ गुड़गांव का हार्ट है, ये सेंटर का ये ग्राउंड हैगा। और इसी ग्राउंड की हालत आपको मैं दिखा रहा हूँ, सबसे पहले शुरुआत जहाँ से करता हूँ, देखिए ये है स्वच्छ गुरुग्राम। अश्विनी जी, समस्या तो हमने देख ली, वाकई में इस समस्या से जो लोग आसपास के जूझ रहे हैं बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, इस समस्या का रोड मैप आपके पास क्या है, इस समस्या का समाधान आपके पास क्या है, क्योंकि आप दावेदारी ठोक रहे हैं तो लोग आप पे यकीन करेंगे, क्या किस बेसिस पे वो यकीन करें और क्या आप इसमें बदलाव ला पाएंगे, उसके लिए आपके पास प्लान्स क्या है? देखिए, ये इन्होंने खत्ता बना दिया, इको ग्रीन एक कंपनी है, निगम ने उनको ठेका दिया, ठेका इस बात का दिया है कि उनको गुरुग्राम को स्वच्छ रखना है, ठीक है, उनको कूड़ा उठाना है तो कूड़ा डालने की जगह भी चाहिए, मानते हैं हम इस बात को, उनको खत्ते बनाने पड़ेंगे, अंडरग्राउंड जो बनते हैं उनको बनाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां मर्जी है इस गुड़गांव के जो भी खाली प्लॉट नजर आए, जो भी ग्राउंड नजर आए, उसको आप भर दो कूड़े से, ये नहीं दिया है उनको। खत्ता बनाया जाए, अंडरग्राउंड बनाया जाए और उनको हाइजेनिक तरीके से बनाया जाए। अब कितनी बदबू है यहाँ पर, ये पूरा शहर के चारों बीच में है, आज हम भी यहाँ खड़े हैं, हमारे पे उत्सव जब हमारे पे इतनी बीतती है तो ये आसपास जो रह रहे हैं उन पे क्या बीतती होगी, कितनी बीमारियां फैल रही हैं यहाँ से। तो अगर उनको खत्ते बनाने हैं, खत्ते के लिए जगह ली जाए और वो खत्ते बनाए और हाइजेनिक तरीके से बनाया जाए, ये नहीं कि जहाँ भी हो वहीं कूड़ा फेंक के वहीं चुका चुकी कर लें उसकी और बाकी बल्ब। अब ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये पानी है, ये इतना गंदा पानी है, नीचे जमीन में जाएगा, जमीन के स्रोत में जाएगा, जिससे कि कल को ये पानी जो है पानी में, हमारे धरती के पानी में जाके मिक्स होगा, जिससे बीमारियां बढ़ेंगी, और जब बीमारियां बढ़ेंगी तो क्या हाल होगा ये आप। यकीनन यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है, एक समस्या से तो हम रूबरू हो गए और उसका जो समाधान है वो भी अश्विनी जी ने हमें बता दिया है कि कैसे, अगर उनको आप चुनते हैं, जो आम जनता है वो चुनती है, तो कैसे वो इसका जो पूरा रूपरेखा है उसमें बदलाव करेंगे कैसे। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं अश्विनी जी, मुझे लगता है कि हमें और भी रुख करना चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर वो कह रहे हैं कि जिक्र करेंगे, उन समस्याओं के पास लेके जाएंगे, उन मुद्दों के पास लेके चलेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अब हमारे दावेदार हमें ले आए हैं शीतला कॉलोनी की गली नंबर 4 में। गली का हाल आप देख रहे हैं, अब इस गली को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कैसे जीते होंगे, कैसे रहते होंगे, क्योंकि रोजाना वो इसी गली से गुजर बसर करते हैं, लेकिन इस गली को देखकर आपको लग नहीं रहा होगा कि यहाँ पर लोगों की बसायत भी है। अश्विनी जी, इस गली का हाल ऐसा क्यों है? चुनाव नजदीक है, अब तो सब ठीक हो जाना चाहिए था, अभी भी नहीं हुआ। मैं तो इतना कहूंगा कि ये वार्ड जहाँ पर हम खड़े हैं, ये विधायक जी का निवास स्थान और उनका ऑफिस विधायक जी का यहीं पर ही है, उसके बावजूद ये हाल देखिए आप। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि इन लोगों का भी,
इन लोगों का जीने का अधिकार है, इन लोगों को भी जीने का अधिकार है। खाली अमीरों का अधिकार सर, नहीं सफाई के लिए अधिकार है कि वो स्वच्छता के अंदर रहें। लेकिन आप इनको भरोसा दिलाते हैं कि जरूर सुनवाई होगी? मैं इन लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, मैं वार्ड नंबर 19 से पार्षद हूँ और आपके वार्ड में आया हूँ। अब मैंने इस पूरे गुड़गांव की जिम्मेवारी उठाने का बीड़ा अपने कंधों पे उठाया है। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों के साथ कंधे कंधे लगा खड़ा हूँ मैं। और ये जो चीजें हैं ये तो खत्म हो जाएंगे, वो तो सर देख रहे हैं आप देख रहे हैं। मैं तो खुद यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ कि खाली DLF नहीं, इन लोगों का भी अधिकार है जीने का, स्वच्छता स्वच्छ जगह पे बैठ के खाना खाने का, स्वच्छता में रहने का और अच्छी वायु लेने का। इनका लोगों महिलाओं को भी जरा पूछ लेते हैं, महिलाओं को भी काफी उम्मीदें होंगी। बीमार हो रहे हैं, ये तो बराबर की बहुत समस्या है। अश्विनी जी, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन सबको आपको पार लगाना है। मैं इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आया हूँ। आपको पता है कि मैं किस वार्ड में खड़ा हूँ, तो मैं चुनौतियों का सामना करने के लिए ही निकला हूँ घर से। और मुझे ये पता है कि इस गुड़गांव की जो गरीब कॉलोनियों की जनता है वो मेरे साथ हैगी और वो खड़ी होगी, और उनको खड़ा होना पड़ेगा इस बार, क्योंकि अगर नहीं खड़े हुए तो अगले 5 साल फिर खराब होंगे, इनके साथ साथ हमारे भी खराब होंगे। ये है तो ये स्थिति है, और ये कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भरोसा है उन्हें अपने दावेदार पर, अपने उम्मीदवार पर। अब दावेदारी तो सभी ठोक रहे हैं, दावे और वादे भी बहुत हो रहे हैं। दावे और वादों के बाद जो चुनौतियां हैं आगामी दिनों में, वो आखिरकार कैसे उनसे पार लगाएंगे और जनता के बारे में आखिरकार कौन सोचेगा, ये आपको तय करना है। हम आ चुके हैं ऑटो स्टैंड में। अश्विनी जी, यहाँ पर क्या समस्या है सबसे पहले वो जानना चाहेंगे। देखिए जी, ये ओल्ड नजफगढ़ रोड है और ये आप ये बस स्टैंड है और ये हरियाणा रोडवेज का है, तो इस रोड पे हम खड़े हैं। ये सामने मार्केट है और ये सारा ऑटो स्टैंड है। अब ये भी इंसान है, इन इंसानों को भी हमें परवाह करनी चाहिए। यहाँ पर एक भी बाथरूम नहीं है इनको, अब यहाँ पर इन्होंने एक टेम्परेरी बना रखा है और कितनी बदबू है आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बदबू है। तो इन लोगों को अभी हमें ध्यान रखना पड़ेगा और इन लोगों के लिए हमें एक बढ़िया बाथरूम बनाना चाहिए। और मैं अगर उसमें आता हूँ तो मैं इन चीज़ों को बड़ा ध्यान से दूंगा और छोटी छोटी जो समस्या है उन समस्या को छोटी छोटी समस्या को उठाकर आगे कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमारा गुड़गांव अच्छा बने। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि इन लोगों के भी समस्या बहुत भारी समस्या है, उनसे भी। और जो वादा आपने किया है वो वादा कितना पूरा करेंगे और अभी तक क्यों नहीं किया गया? आपको लगता है कि ये खामी है जो विधायक साहब है यहाँ के, उन तक ये आवाज नहीं पहुंची ऑटो वाले? विधायक जी को तो 5 साल के अंदर फुर्सत मिली ही नहीं है, विधायक जी को तो पता ही नहीं है कि विधायक जी हैं कहाँ पर, क्योंकि उनको तो हरिद्वार और ऋषिकेश और वैष्णो देवी सब जगह ले जाने की फुर्सत नहीं मिल रही है लोगों को घूमने की। तो ये जो लालच दिया जा रहा है ये बहुत गलत है। लोगों की समस्या जो है ना, अगर इन लोगों की समस्या हल जाएगी तो दिल से जो है दुआ करेंगे, फिर किसी को यात्रा करने की जरूरत नहीं है। पूछिए लोगों से जरा समस्या। हाँ बिल्कुल पूछिए आप, इन लोगों से भी जरा जान लेते किस तरीके की समस्या है आपको, बताइए। हाँ जी, यहाँ पे बाथरूम की बहुत ज्यादा समस्या है और यहाँ पे गौशाला से बदबू आती ग्राउंड से बहुत ज्यादा, वहाँ पे कचरा पड़ा होगा काफी। अश्विनी जी, समस्या आपने सुन ली, अब क्या आप इन सभी लोगों से ये वादा और ये दावा करेंगे कि अगर आपको जनता चुनती है, क्योंकि आप दावेदारी ठोक रहे हैं, तो आप इनकी समस्या का समाधान करेंगे? बिल्कुल जी, मैं आपने देखा होगा मैं छोटी छोटी जगह पे छोटी छोटी समस्याएं जो हैं वो छोटी समस्या से ही विकराल रूप पैदा होता है। अभी मैंने आपको दिखाया गौशाला ग्राउंड, जो बताते हैं गौशाला के नाम से बोला जाता है, उसको मैंने आपको दिखाया। वो क्या था पहले, थोड़ा सा था, आज वो कितना विकराल रूप ले चुका है। गुड़गांव का जो सबसे बड़ा मैदान जहाँ पर हम बचपन से सर्कस देखते आए, बचपन से हम खेलते आए, आज उस ग्राउंड की क्या दयनीय हालत है। अब अगर उसकी हवा चलती है इस साइड की, तो ये लोग परेशान है। इन्होंने सारे मिलकर मेरे पास आए, इन्होंने अपनी समस्या बताई कि हम तो खाना भी नहीं खा सकते, दुकान पे बैठ भी नहीं सकते। तो मतलब ये क्या मतलब समझ नहीं आई कि 5 साल में इस गुरुग्राम की स्वच्छ गुरुग्राम के नाम पर सिर्फ ढकोसला है, पैसा खाया गया है, अपने बिल्ले लगवाए गए हैं, अपने बैलेट लगवाए गए हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। क्या आप ये पैसा जनता के लिए लगाएंगे? मैं आपने देखा, मैं अपने वार्ड से बता सकता हूँ, आप मेरे वार्ड की जनता से पूछिए। मैं वार्ड नंबर 19 से पार्षद हूँ, मैंने अपने वार्ड के अंदर काम दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाई भी है मैंने आपको, तो उससे पता चल जाएगा कि क्या है, निष्पक्ष पता चल जाएगा। मैं तो चुना ही जनता के लिए हूँ, जनता के लिए चुने हैं और जनता को ही चुनना है। ये जो पूरा दारोमदार है वो जनता के कंधों पर है। आगे चलते बहुत सारी समस्याएं हैं, अश्विनी जी आज हमें लेके जाएंगे, समस्याओं के साथ साथ उसका निदान वो करेंगे कैसे वो भी जानेंगे।
बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि कई बार देखा है कि कीड़े मकोड़े भी यहाँ घूमते हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है इस चीज की। और मैं तो कहूँ टॉयलेट के साथ साथ आप यहाँ पेड़ भी लगा दो और रेगुलर उसकी मंथली सफाई भी होते रहे तो हमारे लिए भी ज्यादा बेटर है, क्योंकि यूज करने वाले भी कुछ इतने बेकार आदमी है जो यूज भी तरीके से नहीं करते इस चीज को, तो प्लीज मैं कहूंगा। और बाकी उनको तो मैं जानता ही हूँ कि अपने वार्ड से बाहर काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो धन्यवाद कहूंगा मैं इन चीज को। और जल्दी से इस चीज की परेशानी से हमें दूर करें तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पर सर क्या समस्या है? ये नजफगढ़ रोड है, सामने रघुनाथ मंदिर धार्मिक स्थल, और उसके सामने ही देखिए यहाँ कितना कूड़ा है, और साथ में आपके रोडवेज और बस स्टैंड है। यहाँ से लाखों आदमी रोज सफर के लिए निकलते हैं, अपने रोजगार के लिए, अपने धंधे के लिए, तो जब वो निकलते हैं यहाँ से तो क्या बदबू लेके जाते हैं। ये आपके सामने हैगा, ये देखिए, तो यहाँ भी इंसान रह रहे हैं, उन इंसानों को भी ख्याल रखे। खाली इको ग्रीन पैसे कमाने के लिए नहीं आई है, कुछ इंसानों का भी ख्याल रखे, इस गुड़गांव का ध्यान रखे। कितना ध्यान रखा जा रहा है वो हम देख रहे हैं तस्वीरों में। गुरुग्राम साइबर सिटी कही जाती है, साइबर सिटी की हालत क्या है और उस हालत को ठीक कैसे किया जाए, वो ठीक करने का रोड मैप अश्विनी जी हमें बता रहे हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वहां पर काम करवाया गया है पर्यावरण को लेकर, क्योंकि हम सभी को पता है गुरुग्राम दुनिया भर में प्रदूषित शहरों में किस स्थान पर आ चुका है वो हम सब जानते हैं, और इसीलिए पर्यावरण को बचाए रखना, पर्यावरण के लिए काम करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, और ऐसे ही कुछ अश्विनी जी ने किया है। अश्विनी जी, यहाँ पर आपने जो काम किया है लोग उसको बहुत सराह रहे हैं, काफी कुछ उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर हमने जो काम करना है वो इसी तरीके से कर सकते हैं। आप देखा होगा ये महीने पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा खत्ता था, इस खत्ते को हमने इन लोगों के सारे मिलकर, हम सब ने मिलकर यहाँ से हटाया। हटाया ही नहीं, हमने यहाँ पर आप देखो ये पौधे लगवाए, हमने पौधे लगवाए जिससे कि पर्यावरण साफ रहे और प्रदूषण मुक्त हो जाए। हम शासन और प्रशासन को ये दिखाना चाहते हैं कि सफाई के साथ साथ हम वहाँ पेड़ लगाएं, और जिस तरीके से कार्य मैं कर रहा हूँ अगर उस तरीके से सभी अधिकारी अपना कर्तव्य समझें और इस तरीके से काम करेंगे तो ये हमारा शहर, हमारा गुरुग्राम जो है हरा भरा और स्वच्छ बनेगा और सब स्वस्थ रहेंगे, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी। आप कैसे देखते हैं इनके द्वारा कराए गए काम? इन्होंने जो काम भी किया है बहुत अच्छा काम किया है। ये कई सालों से परेशानी से हम चल रहे थे, जो इतना बड़ा खत्ता था जो सड़क तक फैल चुका था, और अश्विनी जी ने खुद आके अपने सेक्टर से यहाँ उठ के आए हमारे पास, उन्होंने ये बोला और उसी टाइम ये कार्रवाई शुरू करा दी गई। एक दिन के अंदर वो इसको पूरा खत्म करा के और इस पे पेड़ पौधे लगाए गए, और इससे अच्छा काम अश्विनी जी तो बहुत अच्छा काम करा रहे हैं, और इनमें और ज्यादा मेरे को छवि दिख रही है आगे फ्यूचर में। किस तरीके का काम इन्होंने कराया? मैडम, जो इन्होंने काम करवाया है वो इतना बढ़िया काम करवाया था कि सबसे पहले तो यहाँ की बदबू खत्म हो गई थी, और नंबर दो आने जाने वाला ट्रैफिक वो बड़ा स्मूथ चल रहा है, 1% की भी दिक्कत नहीं। उससे पहले सालों से सड़क पे तो दिक्कत ही दिक्कत आ रही थी, तो जो काम इन्होंने का सराहनीय है और अद्भुत काम है, और एक दिन के अंदर जो इन्होंने काम करा वो कोई करवा नहीं सकता। मैडम, हमने 2 साल 2.5 साल के लिए ये यहाँ से हमारा जो कूड़ा था उठाने का कोशिश किया, रोड भी ब्लॉक किया पर कुछ नहीं हुआ। वी अप्रोच अश्वनी जी और रात रात में सफाई हो गया। सफाई नहीं किया उसके आई थिंक मोर देन 1 वीक, 1 हफ्ते के लिए पारा भी लगवाया यहाँ पे कि कोई कूड़ा नहीं डाले। तो मेरे पीछे इस वक्त आप बहुत खूबसूरत सा ट्रैक देख रहे होंगे, बहुत खूबसूरत ग्रीनरी देख रहे होंगे, बहुत काम यहाँ पर हो रहा है, लेकिन कुछ समय पहले तक ये काम ऐसा नहीं था, लेकिन अब इसकी शक्लो सूरत पूरी तरीके से बदल चुकी है, और वो बदली है, वो बदलाव जो लाया है वो अश्विनी जी ने लाया है। पूछते हैं उनसे, अश्विनी जी ये बदलाव कैसे और ये क्या था पहले और अब जो इसका कायाकल्प हुआ है वो आपके ध्यान में आया कैसे? देखिए, जब मैं पार्षद बना तो पार्षद का खाली यही नहीं है कि सफाई या झाड़ू लगवाना या सीवर साफ कराना, यहाँ तक का ही काम नहीं है, उसका काम है डेवलपमेंट करना,
कि क्या डेवलपमेंट ला सकते हैं। अब सीवर है, सफाई है, झाड़ू है, ये तो रोजमर्रा की रोज जिंदगी की वही चीजें होंगी, वो चलती रहेंगी, लेकिन हमें क्या क्या डेवलपमेंट करनी थी उसका मैंने पहले ही इलेक्शन से पहले ही मैंने बना रखा था। और मैंने जो है इस बांध के बारे में, ये बांध जो है जिस पर हम खड़े हैं अब, ये 100 साल पुराना ये बांध है। ये पहले छावनी होती थी गुड़गांवा, और इस बांध से शहर को बचाया जाता था। जब बाढ़ आती थी तो इस शहर को इससे बांध बचाता था। ये इसकी हालत बड़ी दयनीय हो चुकी थी। और हमारे इधर मेरे लेफ्ट के अंदर 15 पार्ट वन है, और इधर की साइड में देखेंगे आप तो ये सिविल लाइन का एरिया हैगा, यहाँ ऑफिसर्स कॉलोनी है। ये तो ये बड़ा डार्क स्पॉट थे। मैंने इसको अपने जब मैं पार्षद बनने के बाद मैंने इस बांध की बात करी और हमने डेवलपमेंट कराया। ये 100 साल पुराना बांध था जी, इस पर डार्क स्पॉट बहुत ज्यादा थे। मैंने सबसे पहले यहाँ लाइट, यहाँ क्रिमिनल्स, हाँ जी मैं उसी पर आता था कि जब डार्क स्पॉट थे तो यहाँ पर चैन स्नैचिंग क्रिमिनल्स यहाँ बैठते थे, घूमते थे और यहाँ से ही वारदात करके और चले जाते थे। अश्विनी जी, वुमेन सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा है, और जब आपने ये टॉपिक छेड़ ही दिया है कि यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ज्यादा घुमा करते थे, तो वुमेन सेफ्टी को आप कैसे देखते हैं, और जिस तरीके से प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ा है उसके लिए क्या कहेंगे? मैं उसी पे आ रहा था। तो सबसे पहले मैंने जो आपने वुमेन सेफ्टी का करा, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि क्यों ना इस पे सबसे पहले लाइटें लगवाई जाएं। मैंने साइडों में आप देख रहे हैं ये लाइटें देख रहे हैं, ये अब लाइट जलती है रात को, और ये हमारे म्यूजिक का सिस्टम भी है। हमने वुमन सेफ्टी के साथ साथ हमने बाकी नागरिकों को भी, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स, इस बांध पे सीनियर सिटीजन्स और वुमेन्स बहुत ज्यादा सैर करते हैं, सवेरे शाम बहुत ज्यादा सैर करते हैं। तो मैंने लाइटों का काम कराया जिससे कि उनकी सेफ्टी रहे, बच्चों को डर ना रहे। और आज आप शाम के टाइम अगर कभी रात को आपको वक्त लगे इस पर बांध पे घूमने का, आपको मौका लगे तो आप जरूर आइएगा इस पे। और मैंने वुमेन सेफ्टी का देखते हुए और सीनियर सिटीजन को देखते हुए जहाँ लाइटें लगवाई, ट्रैक बनवाया, ये सारे पेड़ लगवाए, और ये आप देख रहे हैं उधर कि ये दीवार का काम है, ये राजस्थानी कारीगरी के अंदर मैं इस पूरा मेरा जो 15 पार्ट वन और 15 पार्ट टू का जो सर्कल है उसको राजस्थानी लुक के अंदर मैंने इसको डेवलप करा रहा हूँ। तो इस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। और वुमेन सेफ्टी का जो बोला है ये पूरे गुड़गांव के लिए है कि जहाँ जहाँ भी डार्क स्पॉट हैं वहाँ लाइटें लगाई जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइटें लगाई जाएं। और जो हर जगह तो कैमरे नहीं लगा सकते, लेकिन जो मेन चौराहे हैं मैं वहाँ ये कहूँगा कि कैमरे तो लगे साथ में कोई एक ऐसा लगे पैनिक बटन होते हैं कि अगर कोई कुछ होने वाला है तो आदमी वहां जाए और 100 गज पे या 100 मीटर पे एक एक पैनिक बटन होना चाहिए। जो बटन दबाया सीधा कंट्रोल रूम में उसका अलार्म बजे और कंट्रोल रूम जो है उसका एक्टिव हो जाए कि यहाँ पर कोई ना कोई वारदात हो रही है तो वो सेफ होए। तो उससे वुमेन भी और सीनियर सिटीजन भी और बच्चे भी सभी सेफ होंगे। तो ये मेरी सोच है। पहले तो ये खंडर ही था, तो मैं तो श्री अश्विनी शर्मा जी को पहले मैं उनसे परिचित नहीं था, लेकिन उनके कार्य देख के मैं उनके साथ जुड़ा। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये आप सबने पहले देख लिया होगा। यहाँ पे लाइटें नहीं थी, हमारी माता बहनों को निकलने में दिक्कत होती थी, लेकिन सबसे अच्छा जो काम करा ना श्री अश्विनी शर्मा जी ने, जिसके विषय से मैं उनके साथ जुड़ा, उनमें चार प्रमुख बातें आती है सामने। पहला कि बुजुर्ग कि उनको आबोहवा अच्छा चाहिए, पर्यावरण मतलब अच्छा होना चाहिए, और माता बहनों के लिए ओपन जिम लगवाए कि वो वहाँ पे पैरों की घुटनों की कई दिक्कत होती है, बच्चे खेल सकें पार्क में और वो सेफ भी रहे। तो उसके बाद आते हैं युवाओं के लिए ओपन जिम लगवाए। तो ये व्यक्ति जो विशेष है ना, अब मैं आपको एक बताता हूँ, इस पहर पे जो मिला उस पहर पे ना मिला, मतलब जो सुबह को मिला वो शाम को ना मिला। यूं तो ताउम्र गुजार दी नेताओं में, पर कोई अश्विनी शर्मा जैसा नहीं। तो चुनाव नजदीक हैं और चुनावों को लेकर तैयारियां सभी ने कर ली हैं। वो तैयारियां जिनका रिपोर्ट कार्ड जनता तय करेगी। कुछ ऐसे मुद्दे जिनका सीधा सरोकार जनता से है, कुछ ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर सरकार प्रशासन को घेरा जा रहा है। अश्विनी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब तक बहुत सारी बुनियादी जो समस्याएं हैं उन्होंने रूबरू करवाया हमें उनसे। अश्विनी जी, सरकार को कैसे देखते हैं आप, और टिकट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि हमने समस्याओं की बात तो की, लेकिन आप दावेदारी ठोक रहे हैं, तो किसी खास पार्टी में दिलचस्पी? देखिए,
मेरी दिलचस्पी किसी पार्टी में नहीं है, सभी पार्टियां आदमियों से बनती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, है तो आदमी ना। लेकिन जब तक हमारा अंदर से ही ठीक नहीं होगा तो हम पार्टी का क्या करेंगे। हमारी पार्टी जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन नहीं हमारे को, वही हमारी टिकट है, वही उन्होंने वोट डाल लिया और वही जिताएंगे। तो जब तक जनता का ख्याल नहीं रखा जाएगा जब तक कुछ नहीं हो सकता। अब मैं जैसे आपको दिखाने लग रहा हूँ, जनता की मूलभूत सुविधाएं, कहीं पानी भरा है, कहीं अब डस्ट कितनी भारी डस्ट है यहाँ पर, हर जगह सीवर खुले पड़े हैं, हर जगह कूड़े बड़े बड़े हैं, हर जगह पर्यावरण के बुरा हाल हुआ पड़ा है, बढ़ता जा रहा है अपना प्रदूषण। तो ये जो इनकी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, जब तक हम उन पर ध्यान नहीं देंगे जब तक कुछ नहीं होगा। और टिकट तो जो आपने टिकट का जो बताया, वो टिकट तो जनता है हमारी, जनता तय करेगी किसको जिताना है और किसको भेजना है, कहाँ पर भेजना है, वो जनता का तय, जनता ने तय करना है। कुछ खास पार्टियों से कुछ ऑप्शंस तो आए होंगे, कुछ ना कुछ तो प्रलोभन सभी को दिया जा रहा है, किसी में दिलचस्पी अभी तक नहीं दिखाई क्या? नहीं, देखो ऐसा है कि फोन तो आए भी हैं, बात भी हुई है, जैसा कि पिछले इलेक्शन में अपना पार्षद के इलेक्शन में भी ये हुआ था, उन्होंने ऑफर करी, टिकट डिक्लेयर भी करी, टिकट काट भी दी, फिर उसके बाद हम इंडिपेंडेंट जीते, लोगों ने जिताया। तो टिकट ठीक है, टिकट अपना एक 5-7% जो है उनका पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को भी ये सोचना चाहिए कि हमें गुड़गांव की बात कर रहे हैं, हमें अगर यहाँ की कोई प्रॉब्लम है, कोई सीवर की है, सड़क की है, कोई और बात है, तो हम सीएम से कोई ना कहेंगे या मोदी से कोई ना कहेंगे, हम या तो पार्षद से कहेंगे, जनता पार्षद से कहेगी, या विधायक जी तक कहेंगे। अब उन समस्याओं को विधायक वही चुनेंगे जो काम कर सके, इस टाइम सड़क पे रह सके। अगर गुरुग्राम को संभालना है तो अब एसी में बैठने वाले विधायक नहीं चाहिए, सड़क पर खड़े होकर काम कराने वाले विधायक चाहिए। अश्विनी जी, बीजेपी का दावा है और पुरजोर तरीके से वो लगी भी हुई है कि अब की बार 75+, दावा सही लग रहा है? देखिए 75 बार हो, 90 बार हो, ये सब दावे होंगे, ठीक है। ये प्रदेश का इलेक्शन है और जो छोटा इलेक्शन होता है उसके अंदर फेस वैल्यू देखी जाएगी, काम करने वाले भी देखी जाएगी। अब पिछले 5 साल के अंदर धरातल में काम बता दो मुझे क्या हुआ है, आपको मैंने पूरा शहर घुमा रहा हूँ, धरातल पे कोई भी एक भी काम अगर कोई गिनवा दे, मैं चैलेंज करता हूँ। मैं निगम का पार्षद हूँ, मैं निगम के खिलाफ भी बोल रहा हूँ इस बात के लिए, निगम के अधिकारियों ने इस गुड़गांव को लूट रहे। अरे भाई कुछ तो देख लो, ये सरकार जो है उनको तनख्वाह दे रही है, किस बात की दे रही है, जनता के बारे में कुछ तो सोचे। एक भी इस साल तो बिल्कुल भी काम नहीं हुए हैं, ड्रेनेज का एक भी काम नहीं हुआ है, सीवरेज की सफाई का कोई काम नहीं हुआ है। तो मेरा क्या मतलब ये है कि हालत बड़े खराब है गुड़गांव के इस टाइम। गुड़गांव वर्ष में जनता में घूमा हूँ, जनता ने एक ही बात कही है कि जी इस बार पार्टी कोई नहीं काम करने वाला, क्योंकि एक बार अगर निकल गई बात फिर हम 5 साल, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ का पार्षद होने से पहले, यहाँ का विधायक बनने से पहले, उससे पहले मैं इस गुड़गांव का वासी हूँ, इस गुड़गांव की जमीन पर गोद में मैं खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। आज गुरुग्राम का हाल खराब है जी, और जिस तरीके से पिछले 5 साल कटे हैं, हमें पता है कि एक भी काम नहीं करा है, विधायक जी का दिखना बंद हो गया है, बस बने और बैठ गए हैं। तो मैं सभी से ही कहूँगा कि अगर कोई मेरे से भी अच्छा है काम कर सकता है, आइए आगे आना चाहिए और हम साथ देंगे उनका। हम वो टीम तैयार कर रहे हैं जो इस गुड़गांव को संभालेगी, मोहल्ला वाइज, मोहल्ला क्लिनिक कहते ना जिसको, जिसे दिल्ली में बना है, उसी तरीके से हम एक टीम तैयार करने लग रहे हैं। उस टीम के आधार के ऊपर हम काम करेंगे और एक अच्छा हम दिखाएंगे कि विधायक क्या होते हैं और काम क्या होता है। अगली बार जनता अपने आप कहेगी कि आप घर में बैठिए, हम अपने आप वोट डालकर आ जाएंगे। बहुत बड़ा दावा इन्होंने पेश किया है अश्विनी जी ने, और बहुत सारी चैलेंजेस हैं, वो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को कैसे पार लगाएंगे उसके लिए जो रोड मैप तैयार किया है वो भी इन्होंने बताया है हमें, क्योंकि दावेदारी तो बहुतों की है। देखिए हम भी हैं दावेदार, बहुत सारे दावेदार हैं, सभी दावेदारों से आपको मुखातिब भी कराएंगे। फिलहाल अश्विनी जी से हमने मुलाकात की, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी हमारे खास कार्यक्रम में आप आए और आपने भी अपनी दावेदारी दिखाई भी, और साथ ही जनता के सामने जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भी आपने बताया, और उनका आप निदान कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वो भी आपके पास जिसका निदान आप करेंगे वो भी आपने हमें समझाया। फिलहाल मुझे लगता है दर्शकों को ये दावेदारी पेश आएगी नहीं आएगी, ये हम दर्शकों तक, आम लोगों तक छोड़ देते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन फिर से किसी और दावेदार को आपके सामने कराएंगे रूबरू, तब तक देखते रहिए एसटीवी हरियाणा न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
खास कार्यक्रम में जो खास उम्मीदवार हैं, जो अपने दावेदारी ठोक रहे हैं, अश्विनी शर्मा जी उनसे खास मुलाकात करेंगे। इस समस्या का समाधान आपके पास क्या है? हाइजेनिक तरीके से बनाया जाए। पूरे गुड़गांव की जिम्मेवारी उठाने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है। छोटी छोटी समस्या है, उन समस्या को छोटी छोटी समस्या को उठाकर कंप्लीट करेंगे। अपने वार्ड से बाहर काम कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमने यहाँ पर आप देखो ये पौधे लगवाए, हमने वो अपनी तरफ से पूरा योगदान दे रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं और ये गुड़गांव के लिए बहुत अच्छा है।